हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक। सबसे पहले तो सॉरी आपको इतना इंतजार करवाने के लिए और दो दिन तक वीडियो ना लाने के लिए, बट यू नो इट फेस्टिवल टाइम, इतना तो चलता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने प्रिंसेस एजेंट के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ इसी प्ले लिस्ट को चेक करें और सारे एपिसोड्स को देख लें। तो लास्ट एपिसोड हमने ख़त्म किया था जब सिंगा यूएन के साथ होती है और वह बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यूएन उसे पकड़ लेता है क्योंकि यूएन जानता था कि बाहर सिंगा के इंतजार में बहुत लोग खड़े हैं। बाहर खड़े मिस्टर वियो यूएन से कहते हैं कि वेई शुए आया है जो आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर यूएन समझ जाता है कि वेई शुए को शक हो चुका है कि सिंगा उसके साथ है। वो सिंगा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वेई शुए प्रिंसेस से बहुत प्यार करता है और वो भी बचपन से, और शायद प्रिंसेस ने उसे शादी करने के लिए यही शर्त रखी है कि वो तुम्हें पकड़े और तुम्हें मार दे। ये सुनकर सिंगा उसकी बात मान लेती है और बाहर नहीं जाती। अगले सीन में सिंगा और यूएन को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सिंगा इस तरह खाना खा रही होती है जैसे मानो उसने बहुत दिनों से खाना ही ना खाया हो। ये देखकर यूएन उसे चढ़ाते हुए कहता है कि अब जब तुम यानबेई जाने वाली हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यानबेई एक बहुत ही पुअर कंट्री है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ तुम भूख से ही मर जाओ, तुम्हें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सुनकर सिंगा उसे किलिंग लुक्स देने लगती है। तभी बाहर वेई शुए आता है और वो यूकी से कहने लगता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी लड़की है जिसके प्यार में यूएन पागल हो चुका है। वेई शुए और यूकी के बीच में होने वाली ये सारी बातें सिंगा को अंदर सुनाई दे रही थी। यूकी वेई को बाहर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूएन जानता था कि वेई इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, इसलिए वो बाहर आ जाता है। यूएन के बाहर आते ही वेई उससे कहता है कि तुम अक्सर जल्दी उठ जाया करते हो, लेकिन आज तुम्हें बहुत देर हो गई, लगता है तुम्हें ये लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। इसके बाद यूएन उससे कहता है कि तुम यहाँ जिस काम से आए हो वो बताओ। तो वेई यूएन से कहता है कि आज शाम को होने वाले बैंक्वेट डिनर में मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीमेल गेस्ट को भी साथ लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम जैसे पत्थर को भी पिघला सकती है और प्यार करना सिखा सकती है। इसके बाद यूएन अंदर जाता है और सिंगा से कहता है कि मुझे लगता है यूएन को शक हो गया है कि मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि तुम हो, इसलिए उसने तुम्हें भी आज शाम के बैंक्वेट के लिए इनवाइट किया है। लेकिन सिंगा वापस से शुरू हो जाती है और कहती है कि मेरी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। यूएन कहता है कि तुम जानती भी हो यहाँ कितने लोग हैं जो तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, किस किस से तुम खुद को बचा पाओगी, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वो करो और आज शाम के डिनर के लिए कुछ ऐसा पहन लेना जिसमें तुम थोड़ी लड़की लगो। इसके बाद जब सिंगा शाम की पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है तो वो अपने लिए ड्रेस चुनती है और हमेशा की तरह वो ब्लैक कलर की सिंपल सी ड्रेस चूज़ कर लेती है। अभी वहाँ यूएन आ जाता है और उससे कहता है कि ब्लैक और वाइट के अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई कलर नहीं है क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कुछ ऐसा पहनना है जिसमें तुम थोड़ी लड़की लगो। इसके बाद वो सिंगा के लिए खुद ड्रेस चूज़ करता है और उसे एक ब्यूटीफुल पिंक कलर की गाउन देकर जाता है और कहता है कि तुम्हें यही पहनकर रेडी होना है। सिंगा यूएन की बात मान लेती है और रेडी होकर आईने के सामने बैठी होती है कि पीछे से यूएन आ जाता है और उसे देखकर कहता है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो और थोड़ी लड़की भी लग रही हो। ये सुनकर सिंगा पलटकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन सिंगा को देखकर यूएन कहता है कि अभी कुछ कमी है और वो उसका चेहरा कवर करने के लिए उसे एक पर्दे वाला कैप पहना देता है जिससे कि उसे कोई पहचान ना सके, और उसे लेकर वो बैंक्वेट की तरफ जाने लगता है। लेकिन सिंगा को इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं थी और ऊपर से उसका चेहरा भी ढका हुआ था, इसलिए वो ठीक से नहीं चल पाती है और वो लड़खड़ाकर गिरने ही लगती है कि यूएन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। ये देखकर एक पल को तो यूकी भी मुस्कुराने लगता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसे यंग मास्टर इतना भाव दे रहे हैं। पार्टी में पहुंचने पर वेई शुए का सारा ध्यान यूएन पर और उसके साथ आई उसकी फीमेल गेस्ट पर ही होता है और वो यूएन से पूछने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम अपनी उस लिटिल मेड सिंगा के अलावा कभी किसी लड़की को पसंद नहीं करोगे, लेकिन मानना पड़ेगा इन्हें भी क्योंकि इन्होंने तुम्हें भी प्यार करना सिखा दिया, वैसे ये तुम्हें मिली कहाँ। बात का जवाब उसे मिस्टर व्यू देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को मैंने जियांग कांग से ख़रीदा था और मुझे लगा था कि शायद ये मास्टर यूएन को पसंद आएगी, इसलिए मैंने इसे उनकी सेवा में लगा दिया। अभी वेई शुए अपने हाथ में वाइन का एक ग्लास लेकर उठता है और सिंगा की तरफ बढ़ता है और उसे वाइन पीने के लिए ज़िद करने लगता है, लेकिन यूएन वेई शुए के बड़े हुए हाथ को उसी वक्त रोक देता है और उससे कहता है कि उसके बिहाफ पर ये वाइन मैं पी लूँगा।
तभी वेश्वे के लिए एक मैसेज आता है और वो वहां से ये कहकर चला जाता है कि मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद युवेन जिंगर से कहता है कि 2 दिनों के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर उस आदमी के पास जिंगर को मारने के लिए ऑफर आता है, जिस आदमी के पास जिंगर को बचाने के लिए लियांग स्टेट के प्रिंस ने भी ऑफर दिया था। इसके बाद वो सोचने लगता है कि लियांग स्टेट के प्रिंस ने हमें जो ऑफर दिया था उसके हिसाब से मैंने एक बार जिंगर को बचा लिया है, मैं कोई उनके कर्ज में डूबा हुआ नहीं हूँ जो बार बार उनकी बात मानूंगा, अब अगर मेरे पास इसे मारने का ऑफर आया है तो मैं वही करूंगा। उधर जिंगर ज़्यादा होशियारी दिखाती है और बिना किसी को बताए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन युवेन जो कि किसी भी मुसीबत के समय में जिंगर को अकेला नहीं छोड़ता है, वो उसे फॉलो करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम जो ये घोड़ा लेकर भागी हो ये घोड़ा वेश्वे का है और कुछ ही देर में वो यहाँ आता होगा, तुम घोड़ा चुराने से पहले थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो घोड़ा भी वेश्वे का नाम सुनते ही जैसे आगे बढ़ने से मना कर देता है, तो युवेन जिंगर को अपना हाथ पकड़ाता है और जिंगर को अपने ही घोड़े पर बिठा लेता है। उधर वेश्वे भी अपने घोड़े का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है और अब उसका शक यकीन में बदल चुका था कि युवेन के साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि जिंगर ही थी। वेश्वे से बचने के लिए जिंगर और युवेन दोनों एक झाड़ी में बैठ जाते हैं और तभी युवेन के पास अपनी तलवार देखकर जिंगर उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। तभी वहाँ आफ्टर लाइफ कैंप के 3 लोग आते हैं जो जिंगर और युवेन पर हमला कर देते हैं, जिनमें एक लड़की भी होती है। ये हमला वो युवेन पर करते हैं लेकिन युवेन को बचाने के लिए जिंगर उसके आगे आ जाती है और वो तीर जिंगर को लग जाता है जिसपे की जहर लगा हुआ था। उधर मिस्टर व्यू वेश्वे से पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़की को पकड़ लिया जिसे पकड़ने के लिए तुम यहाँ तक आए थे। तो वेश्वे कहता है कि मैं उसे पकड़ तो नहीं पाया लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो वही लड़की थी जो युवेन के साथ थी, क्योंकि वही है जिसको बचाने के लिए युवेन किसी भी हद तक जा सकता है। अगले सीन में यान को पता चलता है कि फेंगसी अभी तक जिंगर का पता नहीं लगा पाया है और इसलिए वो फेंगसी से बहुत नाराज होता है। साथ ही जनरल चैंग उसे आकर बताता है कि उसे अकाउंट बुक मिल चुकी है। यान कहता है कि ठीक है, इस अकाउंट बुक में जिन भी बिजनेसमैन के नाम मेंशन है उन सबसे जाकर बात करो। दूसरी ओर सभी बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो चैंगन सिटी में अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहते हैं। तभी वहाँ जनरल चैंग पहुँच जाता है और उन सबको डराने धमकाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से बेचकर इस स्टेट को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जनरल चैंग फेंगसी को बताता है कि इन लोगों का अपनी प्रॉपर्टी बेचने का या ना बेचने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि मुझे अकाउंट बुक आधी ही मिली है और जैसे ही वो आधी अकाउंट बुक एम्परर के हाथों में लग जाएगी इन सबकी प्रॉपर्टी वैसे भी छीन ली जाएगी। दूसरी ओर जिंगर बेहोश होती है और उसे 4 दिनों से होश नहीं आता है। युवेन उसके लिए परेशान होता है और उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए वो एक काफिले का साथ पकड़ लेता है जहां वो खुद को मिस्टर वेन बताता है और जिंगर को अपनी पत्नी बताता है। इस तरह जिंगर को बेहोश देखकर युवेन बहुत परेशान होता है और तभी जिंगर को होश आ जाता है और वो युवेन से पूछती है कि हम इस वक्त कहाँ हैं, तो युवेन उसे बताता है कि हम एक कारवां के साथ हैं और ये लोग हमें जियांगकांग सिटी छोड़ देंगे। मैं जो जहर दिया गया था वो बहुत स्ट्रांग था और इसीलिए मुझे इन लोगों का साथ पकड़ना पड़ा, एक बार हम किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे फिर हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। उधर यान फेंगसी को ऑर्डर देता है कि अपने सभी आदमियों को जिंगर को ढूंढने के लिए लगा दो और जल्द से जल्द उसे वापस लेकर आओ। दूसरी ओर उस कारवां के साथ जिंगर और युवेन को एक बहुत ही सिंपल सा खाना खाने के लिए मिलता है। ये देखकर जिंगर युवेन को छेड़ते हुए कहती है कि तुम इतने अमीर हो तो मैं हमेशा बहुत अच्छा खाना खाने को मिला है और आज तुम्हें मजबूरी में कुछ भी खाना पड़ रहा है। तो युवेन उससे कहता है कि जनरली तुम्हारी उम्र की जो लड़कियाँ होती हैं उनका सारा ध्यान या तो कॉस्मेटिक्स में होता है, खुद को खूबसूरत बनाने में होता है या अपने होने वाले पति की कल्पना करने में होता है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो और शायद इसीलिए मुझे पसंद हो। तो जिंगर पूछती है कि तुम्हें मुझमें ऐसा क्या अलग लगता है जो तुम मुझे पसंद करते हो। तो युवेन कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे सारे सपने तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी। तभी वहाँ उन्हें एक बच्चे की आवाज़ आती है और जब वो दोनों जाकर देखते हैं तो एक बैलगाड़ी के नीचे उन्हें एक छोटी बच्ची बैठी हुई मिलती है। जिंगर जब उससे बात करती है तो वो जिंगर को अपना नाम जिंग जिंग बताती है और अपनी उम्र 9 साल की बताती है। तभी उनके पास एक और छोटा बच्चा आता है और वो लड़की उसको अपना छोटा भाई बताती है और उसका नाम मोयर बताती है।
के बाद यूएन के पूछने पर वो बताती है कि ये मेरा रियल भाई नहीं है, इसका नाम मोयर है और ये लॉर्ड ओएंग की फैमिली से है। कल रात को इसके घर पर अटैक हुआ था और इसकी पूरी फैमिली को मार डाला गया और इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। लेकिन मेरे घर वालों ने भी कहा कि अगर ये हमारे साथ रहेगा तो हमारी जान को भी खतरा है और वो इसे अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए मैं इसको लेकर भाग गई और हम लोग यहाँ छुपे हुए थे। जिंगेर उस लड़की को ये समझाकर वापस घर भेज देती है कि इसका ध्यान मैं रख लूँगी और तुम अपने घर पर जाओ क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए बहुत परेशान होंगे। तो जिंग जिंग मोयर को जिंगेर के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद यूएन जिंगेर से कहता है कि एक बच्ची बिल्कुल पागल है, इसे अपने लिए कोई भी डर नहीं है, ये किसी और की जान को बचाने के लिए खुद की जिंदगी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। तो जिंगेर कहती है कि तुम इस बात को नहीं समझोगे, इसे वफादारी कहते हैं, बेवकूफ़ी नहीं। रात को जिंगेर, मोयर और यूएन तीनों एक ही बिस्तर पर सो रहे होते हैं और वो छोटा सा मोयर उन दोनों के बीच में सोया होता है। तभी मोयर जिंगेर को बताता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा अपने साथ में नहीं सुलाते थे क्योंकि वो लोग मुझे कहते थे कि उन्हें रात में अपना कुछ ज़रूरी काम करना होता है, क्या तुम लोगों को भी अपना कुछ काम करना है और तुम भी मुझे अपने साथ नहीं सुलाओगे? बच्चे की ये बात सुनते ही पानी पीते हुए यूएन के मुँह से पानी बाहर आ जाता है। इसके बाद आधी रात को कुछ शोर शराबे की आवाज़ आती है और जिंगेर और यूएन जब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें उसी बच्ची की लाश मिलती है जो बच्ची थोड़ी देर पहले उनके साथ थी। अपने सामने जिंग को मरा हुआ देखकर मोयर रोने लगता है और यूएन उसे चुप कराने लगता है। यूएन उन सभी हमलावरों में से एक को पकड़कर उससे पूछता है कि तुम इन सभी बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, तो वो हमलावर उसे बताता है कि ये सभी लोग गद्दार बिजनेसमैन हैं और इन्हें मारने का ऑर्डर है। यूएन जिंगेर को बताता है कि ये हमलावर यानबेई से थे और ये बात जिंगेर को पसंद नहीं आती और वो यूएन को मोयर के साथ अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यूएन और मोयर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और जिंगेर और यूएन मिलकर उन सभी हमलावरों से लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। जनरल चैंग यैन को जाकर बताता है कि हमें वो छोटा बच्चा मिल चुका है लेकिन उसके साथ दो और लोग भी हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वो जिंगेर और यूएन की बात कर रहा होता है। यैन जिंगेर और यूएन को एक साथ लड़ते हुए देख लेता है लेकिन वो अपने आदमियों से उन्हें छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वो जिंगेर को अपना चेहरा नहीं दिखाता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिंगेर उसके इस रूप को भी देखे और वो अपने आप से कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुमसे मिल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने से ही यूएन जिंगेर और उस छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिंगेर उस छोटे बच्चे मोयर का ध्यान रख रही होती है कि तभी यूएन उससे कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं शिकार पर जाता हूँ और खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो जिंगेर उसको पीछे से आवाज़ लगाकर रोकती है और कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि हो सकता है कि वो लोग हमें अभी भी ढूंढ रहे हों। तो यूएन उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस इस छोटे बच्चे का ध्यान रखो और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाओगी। उधर दूसरी ओर वेईशुई को भी इस बारे में पता चल जाता है कि यैन जियांगयांग सिटी के सभी लोगों को मार रहा है, तो वो यूकी से कहता है कि तुम अपने यंग मास्टर यूएन को ढूंढो और यैन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उधर यूएन जब खाने के लिए कुछ लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसे जिंगेर नहीं दिखाई देती है, उसे बस मोयर सोया हुआ दिखाई देता है। मोयर के उठने पर वो उसे जिंगेर के बारे में पूछता है तो मोयर उसे बताता है कि मेरे सोने से पहले तक तो वो मेरे साथ थी लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता। यूएन जब उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे एक पेड़ पर अपने लिए एक मैसेज मिलता है, वो मैसेज जिंगेर का ही था। उसने यूएन के लिए लिखा था कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है और वो मुझे अकेले ही करना होगा, तुम मोयर का ध्यान रखना। यानी कि एक बार फिर जिंगेर यूएन को धोखा देकर चली जाती है। उधर यैन का सब्र जवाब दे जाता है और वो सबसे कहता है कि अब जिंगेर को ढूंढने के लिए मैं खुद जाऊंगा, लेकिन फैंक्सी उसे समझाता है कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि जिंगेर जब आपको इस हाल में देखेगी कि आपने इतने लोगों की जान ली है तो वो आपको गलत समझेगी, इसलिए ये काम मुझे करने दें और मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंगेर को लेकर जरूर आऊँगा। जिंगेर उस छोटी लड़की जिंग की कब्र पर जाती है जिससे वो मिली थी और थोड़ी देर पहले ही जिंग को मार दिया गया था और वहाँ जाकर वो रोने लगती है कि वो उसे नहीं बचा पाई। लेकिन तभी वहाँ जिंगेर को ढूंढते हुए वेईशुई पहुँच जाता है और जिंगेर पर अटैक कर देता है। जिंगेर अपनी जान तो बचा लेती है लेकिन जिंगेर के एक जहर वाली सुई लग जाती है। उस जहर वाली सुई के लगते ही जिंगेर खाई से नीचे गिरने लगती है और तभी वहाँ प्रिंस लियांग पहुँच जाता है और जिंगेर को कैच कर लेता है। अब जिंगेर लियांग प्रिंस की गोद में होती है लेकिन पूरी तरह से बेहोश होती है क्योंकि उसको जो जहर दिया गया था वो बहुत स्ट्रांग था। दूसरी ओर आफ्टर लाइफ कैंप का जो मालिक होता है जिसका चेहरा की ढका हुआ होता है वो अपने लोगों को इस बात के लिए डांट रहा होता है क्योंकि उसने अपने लोगों को यूएन को मारने के लिए भेजा था लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए।
यहाँ इसका चेहरा तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ से इतना साफ हो जाता है कि शायद आफ्टर लाइफ कैंप का मालिक कोई और नहीं बल्कि यान ही होगा। यूवेन जिंगर के बारे में पूछताछ करने के लिए वेशवे के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ जिंगर कहाँ है। तो वेशवे इससे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उस लड़की के लिए इस हद तक पागल हो कि तुम अपने लोगों से गद्दारी करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं उसे जान से मार चुका हूँ, अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। यूवेन को जिंगर के लिए परेशान देखकर यूकी उसे समझाता है और कहता है कि वो जिंदा होगी और अब तक यानबे ही पहुँच गई होगी। तो यूवेन यूकी से कहता है कि जिस खाड़ी से नीचे गिरने के बारे में वेशवे ने मुझे बताया था, तुम जाकर वहाँ चेक करो, क्या तुम्हें वहाँ कोई लाश मिली। तो यूकी उसे बताता है कि हमारे लोगों ने उस जगह को पूरी तरह से चेक कर लिया है और हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला है। तभी वहाँ एक एरो आता है जिस पर कि एक मैसेज बंधा हुआ होता है और मैसेज को पढ़ते ही यूवेन थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर जिंगर को लियांग प्रिंस अपने साथ अपने पैलेस ले जाता है, लेकिन जिंगर को अभी तक भी होश नहीं आता है। उधर यूवेन के पास जो मैसेज आया था वो लियांग प्रिंस ने ही भेजा था, जिसमें कि उन्होंने जिंगर का पता भेजा था और जिंगर के बारे में जानकारी मिलते ही यूवेन जिंगर को देखने के लिए भागा हुआ जाता है और लियांग प्रिंस से जिंगर की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो जिंगर से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है तो जिंगर अपनी आँखें खोल देती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। तो यूवेन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे लिए तुम्हें ढूंढना सच में इतना मुश्किल है। लेकिन जिंगर ज़्यादा देर बात नहीं कर पाती है और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिंगर के बारे में हालचाल लेने के लिए यूवेन लियांग प्रिंस से पूछता है तो लियांग प्रिंस उसे बताता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जिंगर को जो जहर दिया गया है वो बहुत ही स्ट्रांग है और अगर जल्द ही हमें इसका इलाज नहीं मिला तो जिंगर बुरी तरह दर्द में तड़प तड़प कर जान दे देगी। इसके बाद वो यूवेन को आगे बताता है कि जिन लोगों ने जिंगर पर हमला किया था वो आफ्टर लाइफ कैंप के लोग थे और वो अपना जहर खुद ही बनाते हैं और उसका इलाज भी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास ही होता है, इसलिए अगर हमें जिंगर का इलाज करना है तो हमें उन लोगों के पास जाकर ही इसकी दवा लानी होगी वरना जिंगर कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर मर जाएगी। और इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करती हूँ। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या यूवेन जिंगर के लिए दवा ला पाएगा या जिंगर इसी तरह मर जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग बने रहें मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन चाचा बाय बाय सायोनारा।